बॉलीवुड में एक्शन मूवीज का क्रेज इन दिनों काफी बढ़ते हुए देखा गया है और इन फिल्मों में हॉलीवुड की सेम नकल करने के लिए हॉलीवुड की ही तरह VFX का इस्तेमाल भी काफी बढ़ चढ़ कर किया जाता है। VFX की मदद से आपको जो सीन दिखाए जाते हैं, इन सीन को असली जानकर शायद आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों में यूज किए गए VFX इफेक्ट्स के बारे में, जिसकी मदद से एकदम फेक सीन्स को भी आपके सामने रियल बनाकर पेश किया गया। दोस्तों, फिल्म MS धोनी में सुशांत सिंह को एक असली मैच के अंदर दिखाया गया, जिसमें सुशांत को रियल प्लेयर के साथ खेलते हुए भी दिखाया गया। इस सीन को कुछ इस तरह से VFX की मदद से एडिट किया गया था। इसके अलावा फिल्म में धोनी की यंग एज के दौरान सुशांत को पतला दिखाया गया, वहां पर भी सुशांत की जगह किसी और आदमी को काम में लिया गया और उसकी जगह सुशांत सिंह की शक्ल चिपका दी गई। बॉलीवुड में VFX की मदद से एक्टर्स के सिक्स पैक एब्स भी बनाए जाते हैं। सलमान खान की बॉडी के लाखों दीवाने देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उम्र का तगाजा सेलिब्रिटीज के साथ भी आम इंसानों सा ही रहता है। ऐसे में सलमान को शर्टलेस दिखाने के लिए प्रोड्यूसर सलमान के लिए VFX की मदद से फेक सिक्स पैक एब्स भी तैयार करवाते हैं। दोस्तों, फिल्म बाहुबली तो बॉलीवुड में VFX का इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म में भलाल देव सांड से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन को कुछ इस तरह से फिल्माया गया था, जिस पर बाद में नकली सांड को ऐड कर दिया गया। इसके अलावा बिलाल देव एक जगह सांड को नीचे गिराते हुए दिखाई देते हैं। इस जगह बिलाल देव के हाथ में महज सांड का एक नकली सर दिया गया था, जिसे बाद में VFX की मदद से एक असली सांड का रूप दे दिया गया। दोस्तों, फिल्म थ्री इडियट्स के एक सीन में प्रोफेसर को दोनों हाथों से बोर्ड पर लिखते हुए दिखाया गया है। इस सीन के दौरान प्रोफेसर को दो अलग अलग वीडियोस में रिकॉर्ड किया गया और बाद में दोनों वीडियोस को मिलाकर कुछ इस तरह से पेश किया गया। कई फिल्म मेकर्स किसिंग सीन बनाने के लिए भी VFX की मदद लेते हैं और ये VFX किसिंग सीन कुछ इस तरह शूट किए जाते हैं। बैंग बैंग मूवी में फिल्माए गए सीन में जहां ऋतिक के पीछे बड़ा सा धमाका होते हुए दिखाया जाता है, वहां उनके पीछे महज एक ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगाया गया था। ऋतिक को तो सिर्फ इस पर्दे के आगे कुछ इस तरह चलना था। ठीक इसी वजह से फिल्म के अंदर एक और सीन आता है जहां किसी बड़े से फोर्ट के अंदर धमाके दिखाए जाते हैं। असल में वहां एक फोर्ट का फुटेज लिया गया और उस पर VFX की मदद से आग चिपका दी गई और आपके सामने सीन को कुछ इस तरह से पेश किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।